आशा शर्मा सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज के जो हमारे नए मेहमान हैं वो काफ़ी पीड़ित है, जो कि हमारे देश में कहा गया है कि महिला चंडी रूप भी है, काली रूप भी है और उनको अहिल्या बाई का नाम भी दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में महिलाएँ कितनी पीड़ित है उसके बारे में उनको अनुभव तो है। आज हमारे सामने एक जीती जाती मिसाल आई हुई है, जिन्होंने काफ़ी दुखों से और परिश्रम करके उनके हस्बैंड ऑफ होने के बावजूद उन्होंने अपने परिश्रम से अपना 5 घर बनाया था बांद्रा में और उस घर को छीन लिया गया। उनकी जो 2 बच्चियां हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के पास वो जाती हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनको भगा दिया जाता है, उनके साथ काफ़ी जुल्म होता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो जज है उनको बेइज्जत ये करो, वो महिला बेकसूर थी, इसके लिए जज ने उनको समझा बुझा के उनकी बेल खुद ब खुद करा दी, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानूनन धारा नहीं थी। जो कि हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने गुजरात में ऐसा कानून लागू किया गया है कि महिलाएं वहां पे अरेस्ट नहीं होती और उनको जेल में बंद नहीं किया जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र की सरकार है वहां पे देखा गया है बहुत सी महिला भाईकला जेल में बेल होने के बावजूद उनके पास पैसा ना होने के कारण अभी भी 20-20 साल, 15-15 साल, 14-14 साल, 8-8 साल से जेल में पड़ी हुई है, क्योंकि उनकी बेल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति से हम मिलेंगे। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा हाजरा शरीफ पठान। आपको किस तरह की तकलीफ दी जा रही है हमारी जनता को बताइए। मुझे पुलिस स्टेशन से, मेरा पुलिस स्टेशन मुझे कोई हेल्प नहीं करती है। मैं जब भी कंप्लेन में जा करने जाती हूँ ना तो मेरा पुलिस स्टेशन मेरा हेल्प नहीं करता है। हाँ, जब भी जाती हूँ मुझे कंप्लेन भी लेते हैं, मुझे सामने वाला मारती है बहुत। मेरे घर में ना कोई लेडीज से ताला तोड़ के घुसे, पुलिस ने ही ताला तोड़वाया था 3 जून 2020 को। ताला पुलिस तोड़ के सब सामान मेरा लेके गया और 4-6 महीने मेरा घर खाली था। तो सामने वाले पार्टी कोई दलाल है, कांति दलाल अब्दुल उधर, वो राजा रहबर खान है, हमारे इधर का नगर सेवक है ना, उनके आदमी है। तब इन लोग सब प्लान बना के मुझे बोले मैं तेरा घर किराया पे लूँगी और घर खाली देख के ताला तोड़े रात को और सुबह सुबह घुस गए 29 तारीख 2020 को। और जब मैं कंप्लेन करने गई 6 जन थे तो पुलिस ने एक को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके बाहर निकाले, घर खाली हो गया और 4 को छोड़ दिया। 4 का नाम अरेस्ट नहीं किए, फिर वो 4ों को आपस ताला तोड़, एक हफ्ते बाद वो 4ों ने फिर से ताला तोड़ के मेरे घर में मेन गेट है ना लोहे का वो तोड़ के फिर से घुसे। फिर कंप्लेन करने गई तो ये लोग सब मुझको मारते हैं, नहीं सुने। 100 नंबर को भी कंप्लेन करती तो 100 नंबर आते हैं मैडम लोग बांद्रा की, एबर्ड मैडम, जैसे बहुत सारे मुड़कर मैडम, क्या बोलते हैं अभी तरीपार वाली मैडम है ना, एक तपावर। जब कंप्लेन करने जाती हूँ तो कोई सुनते नहीं, मुझे आपस बोले जेल भेज दूंगी, मुझे गालियाँ देते हैं, मारते हैं। और सामने गोटे हैं, मुजावर साहब है, ये लोग कंप्लेन करने जाती हूँ ना तो मेरा पैर में हथकड़ी लगाते हैं, पैर में बेड़ी लगाते हैं, अंदर पीटते हैं और बोलते हैं दोबारा आना नहीं। आपने बताया आपकी 2 बच्चियाँ हैं तो वो कहाँ है? मेरी 2 लड़की है मेरे साथ, अभी 4-5 साल से नहीं रहती है, पहले रहती थी। तो पुलिस वाले आए थे ना अभी, जब घर ताला तोड़ के लोग निकाले थे ना 3 जून को, मजावर साहब, चेतन पोचरेवाल और 3-4 लेडीज कॉन्स्टेबल बांद्रा की। तो वो पुलिस वाले क्या बोले मेरे बेटे को, तुम लोग यहाँ आना नहीं दोबारा, तेरे को अंदर कर दूंगी। वो डर का मारे मेरी लड़की नहीं आती है, सब टॉर्चर करते हैं मेरी लड़की को, परेशान करते। तो वो इज्जत बेज्जत के मारे बोलती मम्मी अब मैं इधर नहीं आऊँगी, अभी कैसा हाल होगा, हमको बेज्जती होगा। घर में कुल कितने गोल्ड थे आपने जैसे कि बताया? 17 अक्टूबर 2019 को मैं पुलिस चौकी में कंप्लेन करने गई थी बांद्रा वेस्ट पुलिस चौकी में हिल रोड पर, कि मेरे 50 लाख का सोना है। नहीं, मेरा पहले फाइल लेके गए, फाइल लेके चले, मैडम फाइल लेके मुझे जा रहे हैं, जरा कंप्लेन में भेजो किसी लेडीज़ को। तो 3 लेडीज़ को भेजी नहीं मेरे साथ, मुझे अरेस्ट करके अंदर बैठा दिए बाबा में, जबरदस्ती मुझे मेरा ट्रीटमेंट करवाए। और मैं बोली मेरे शाम को घर में सोना रखा है, 50 लाख का सोना है, ज्वेलरी सब पेपर है, चलो देने के लिए। तो ये लोग मुझको भेजे नहीं। फिर 5:30 बजे आना तो मेरे घर में 3 लेडीज़ को भेजे कि जाओ इसको देखो कहाँ है। तो मैं 3 लेडीज़ मेरे घर पर आई, ऊपर चढ़ी, लेकिन 3 लेडीज़ घेर ली, लेकिन मुझे पीछे 6 नंबर रूम में जो मेरा सोना रखा था ना किचन में, वो मुझे लेने नहीं दी और मुझे मार मार के बाल पकड़ के घसीट के हथकड़ी लगा के अंदर गाड़ी में ढकेल के जबरदस्ती बाबा हॉस्पिटल में लेके गए। और 18 अक्टूबर 2019 को मुझे बांद्रा के जज के सामने खड़ा होने बोले, बोले जज के सामने कुछ मत बोलना, हम तेरे को 1 घंटे में छोड़ देंगे। और वहाँ छोड़े नहीं। फिर पावर साहब उधर का ड्राइवर है ना, गाड़ी का ड्राइवर, 5 नंबर कौन सी गाड़ी का पावर साहब है वो, और वो वहाँ
प्रजापति है, उसने मेरा वकालत साइन करके लिया, मैं एक घंटे में कर दूंगा, लेकिन कोई किया नहीं। और जज की बात सुनने में, जज क्या सुनाते हैं, जरा फैसला सुन। आपने जैसे बताया कि आपके घर में जिसने कब्जा किया वो महिला कौन है? हाँ, जो घर में घुसी है वो मेरी कोई नहीं है, उसको कांति दलाल ने मेरे पास लाया था कि ये लेडीज़ को मतलब एग्रीमेंट बना के भाड़े से देंगे उसको। तो लेडीज़ को 12 अगस्त 2018 को हमने 1 लाख डिपॉजिट 15,000 भाड़े पर दिए थे 12 अगस्त को। वो लेडीज़ खुद नहीं रही, किसी और को 10 लाख उठा के उसने रखी, उसी वजह से मेरा उसका झगड़ा। अभी आप कहाँ पर रहती हो? अभी आपकी हालत बहुत गंभीर है। हाँ, अभी मैं बांद्रा में नहीं रहती हूँ, बांद्रा मेरा घर है ना। अभी फिर से वो लेडीज़ खाली करके चली गई ना, फिर एक साल बाद फिर से ताला तोड़े थे ना जो मजावर साहब चेतन पचरवाल 3 जून को, तो 3 जून से मेरा घर खाली था 4 महीना। फिर 29 अक्टूबर 2020 को आपस वो लेडीज़ लोग रात को बोलने आए थे ना, मैं किराया लूँगी भाड़ा लूँगी, फिर से मेरे घर में घुस गए। क्या अभी भी वो लेडीज़ आपके घर में कब्जा करके बैठे? हाँ, वो लेडीज़ है। तो वो लेडीज़ को 1-2 को तरीपार लगाए और 2 उसकी कोई लड़की है उसको मैंने घर में रखी। आप माननीय मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम? मैं मुख्यमंत्री से अपील की थी कि भाई सर, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा उम्र 50 साल है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मेरा घर के किराया से मेरा घर रोजी चलती है, तो आप मेरा कैसे भी करके, वो लड़की मुझे मारपीट करती है सब, उसने टाका बिका लगाया बहुत सारे, मुझको निकाल दो, और मेरा जो भी सोना चांदी गया जो मेरी बेटी के शादी के लिए रखा था, मेरे पास अब कुछ नहीं हो घर के सिवाय, मुझे वो मिल जाना चाहिए जो मेरे घर में ताला तोड़ा ना जेल में भेजने के बाद। जैसे 18 अक्टूबर 2019 को मुझे जेल से भेजे ना, उसी दिन 2 दिन बाद किसने ताला तोड़ा, वही जो घर में रहती थी सायदा। जनता से मैम क्या अपील करना चाहोगी आपके साथ ये दुखद घटना जो हुई? जनता ही मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करे, मेरा बांद्रा वाला कोई हेल्प नहीं करती है, मुझे बांद्रा वाले कोई हेल्प नहीं करते हैं। मैं नगर सेवक राजा रबर खान के पास गई, वो मुझे हेल्प नहीं किया, भगा दिया। उनकी बीवी अच्छी है, बोले हेल्प करके, उनका हस्बैंड हेल्प नहीं करने देते हैं। और उधर फकीरा है राजा रबर खान का आदमी है, और उस्मान है, नदीम है, वो जो अभी मेरे पीछे जो भी पड़े ना, वो सुनील कुमार एडवोकेट के साथ नकली पेपर बनाए 25 लाख का, और बोले मैंने 25 लाख उसका ली बोल के ताला तोड़ के घुसा दिए। 20 अक्टूबर 2020 को उन लोग ने नकली पेपर